नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य पाटिल है। मैं पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट हूँ कोल्हापुर कैंसर सेंटर में। आज 14 अक्टूबर एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड होस्पाइस डे और पैलिएटिव केयर डे करके मनाया जाता है। आज का वीडियो बेसिकली पैलिएटिव केयर मतलब क्या है और उसका इस साल का थीम क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पैलिएटिव केयर और पैलिएटिव मेडिसिन, ये ऐसा नया टाइप ऑफ मेडिसिन है जो क्रॉनिक इलनेस जैसे कैंसर पेशेंट्स रहते हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर काम करते हैं। क्वालिटी मतलब क्या है, ओवरऑल दिन में उनका रूटीन कैसा सेट होता है, वो सेट जितना हो सकता है उतना नॉर्मल करने का कोशिश हम हमारी तरफ से करते हैं। इसके साथ ही साथ जो उनका जो काळजी लेने वाले जो केयर गिवर्स रहते हैं उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हमारा काम चालू रहता है। तो इस साल का थीम है कंपैशनेट कम्युनिटीज टुगेदर फॉर पैलिएटिव केयर। इसका मतलब बेसिकली जो कम्युनिटीज एक कैंसर पेशेंट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि उनके फैमिलीज रहे, जैसे कि उनके फ्रेंड्स रहे, जैसे कि होम बेस्ड पैलिएटिव केयर में जो काम करने वाले वॉलेंटियर्स रहे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहे, जो ये कैंसर पेशेंट्स का एक जो ट्रेजेटरी रहता है उसका अच्छा क्वालिटी रखने के लिए जो काम करते हैं उनको अपलोड करने के लिए इस बार का थीम उन्होंने फोकस किया है। सो बेसिकली ये केयर गिवर का क्वालिटी और केयर गिवर जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो कैंसर पेशेंट्स को देते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है पैलिएटिव केयर का। तो आइए चलते मिलके सब लोग मनाते हैं और उनको ताड़ियों से ग्रीट करते हैं। इनका भी एक जो भाग है वो कैंसर पेशेंट का क्योर होने में और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करेगा।